प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिर्जापुर में विंध्य की धरा पर पहुंचते ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का परंपरागत ढंग से स्वागत किया गया। यहां पर इन दो बड़े नेताओं के कंधे पर मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद दिखा, इनका चुनरी से स्वागत किया गया। मिर्जापुर में प्रधानमंत्री के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 650 करोड़ की लागत से बने 100 मेगावाट के सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। ये प्लांट दादर कला में 650 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इस दौरान कंपनी के अधिकारियों ने प्लांट की विशेषताओं के बारे में भी जानकारी दी। दादर कला में 382 एकड़ में स्थापित सोलर प्लांट के उद्घाटन के बाद काम शुरू कर दिया गया। छह सौ 50 करोड़ की लागत से बने इस प्लांट से बिजली उत्पादन को जिगना पावर हाउस के ग्रिड से जोड़ा गया है। प्रथम चरण में 75 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है और धीरे धीरे इसकी क्षमता को बढ़ाकर 100 मेगावाट किया जाना है। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति वाराणसी के लिए रवाना हुए। दादर कला में 382 एकड़ में स्थापित सोलर प्लांट से हर दिन 5 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री और मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहीं। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के विशेष विमान से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे थे। उनके आगमन के कुछ देर बाद ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी फाल्कन विमान से एयरपोर्ट पहुंचे। और फिर यहां से ही एयरपोर्ट पर ही मौजूद भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर से पीएम और फ्रांस के राष्ट्रपति मिर्जापुर स्थित दादर कला में सोलर प्लांट के उद्घाटन के लिए रवाना हुए थे। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, मिर्जापुर।